हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये हैशटैग्स जो होते हैं ना टाइटल के ऊपर, यार ये कैसे आते हैं। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए यार, हमें भी हैशटैग ऊपर लगाना है और कैसे लगाएं और क्या रीज़न है इनके पास, तो मतलब क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है, क्यों लगाते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा, आप वीडियो एंड तक देखना, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या होते हैं एक्चुअली और क्या इसके बेनिफिट हैं। क्योंकि इससे मैं आपको लिटरली बताऊँ तो व्यूज़ में हेल्प नहीं मिलते, बट इससे क्या चीज प्रमोट होती है और क्यों करते हैं हम और क्या इसके पीछे रीजन है लिटरली और हैशटैग यूज करने का। क्योंकि सब यू हैशटैग यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग अपने हैशटैग यूज करते हैं और तीन ही हैशटैग क्यों आते हैं यार, यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं आते। सो वीडियो को एंड तक देखना गाइज, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना यार। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले कि ये हैशटैग लगते कैसे। तो हम बात करते हैं पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल पे आना है, उसके बाद आपको यूर चैनल पे क्लिक करके, जैसे मैं अपने चैनल पे ही हूँ, आपको क्या करना है यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है। और जैसे मैं इसी वीडियो की बात, हाउ टू ऐड वेबसाइट टू योर यूट्यूब चैनल, तो इसमें मेरे हैशटैग ऊपर आए जैसे आप देख रहे हो, तो मैंने क्या करा है मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो कहाँ गई, वीडियो कहाँ गई, ठीक है ये आ गई वीडियो। अब मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन बैक उसमें आ गया डैशबोर्ड में। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे देखा मेरे यहाँ पे हैशटैग आ रहे हैं। अब मैंने क्या करा था, हैशटैग ये ऊपर कैसा है देखो, मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी हैशटैग यूज़ कर रखे हैं। ये देखो लिंक वेबसाइट यूट्यूब चैनल एसोसिएट वेबसाइट लिंक वेबसाइट एसोसिएट विद यूट्यूब चैनल देखो, बट चार नहीं आए भाई, तीन ही आए, ठीक है। चार क्यों नहीं आए, चार इस वजह से नहीं आए भाई क्योंकि यार ये YouTube की गाइडलाइंस है। हम क्या कर सकते हैं, पहले बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, 15 ही हम सिर्फ हैशटैग यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो उनका वो मीनिंग लेस हो जाएंगे आपके चैनल पे, वो खत्म हो जाएंगे, उनका कोई मीनिंग लेस हो जाएगा और वो हट जाएंगे यहाँ से, मतलब ऊपर नहीं दिखाएंगे। 15 से ज़्यादा हैशटैग मत यूज़ करना, और मैं तो ये कहता हूँ कि 15 ही यूज़ क्यों करना है यार, 15 यूज़ मत करो। सीधा क्या करना है अपना, जैसे मैंने यहाँ चार पांच यूज़ करे हैं, सिर्फ आप 5 से 8 यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा मत यूज़ करो। और हैशटैग भी वो होने चाहिए जो आपके मेन कीवर्ड्स आपको लगते हो, जो सर्चेबल हो, ठीक है। जैसे लिंक वेबसाइट टू यूट्यूब चैनल, मैं ये क्या मैंने इसमें बताया इस वीडियो में कि अपनी वेबसाइट वेबसाइट को यूट्यूब चैनल से कैसे लिंक करें। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, अपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनके लिए आपका टॉपिक है बिल्कुल ऑलरेडी, टॉपिक जिसमें स्पेसिफाई है निश कीवर्ड पे, उससे रिलेटेड हैशटैग बनाओ। और दूसरी चीज़ भाई, स्पेस नहीं देना, हैशटैग यूज़ करना है आगे, हैशटैग लगाने के बाद मतलब हैशटैग बनाने के बाद आगे यूज़ करना है हर कीवर्ड हर टैग के आगे। सिंपली क्या होता है, जैसे टैग्स बनाते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया में, हैशटैग चलने लग गए हैं, वीडियोज हैशटैग्स पे सर्च होने लग गई है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। जैसे लेट्स सपोज कोई भी मेरी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जितनी जितनी वीडियोज आ जाएंगी जिन्होंने ऐसे लिंक वेबसाइट टू यूट्यूब चैनल ऐड कर रखा होगा, तो मेरे चैनल पर आ जाएगा वो सब। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियोस आ जाती हैं चांसेस, बट मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता कि हमें व्यूज मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है प्रमोट करने का। आपको पता चल गया कि डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डालने होता है, टाइटल में हैशटैग मत लगाना भाई, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी लगा सकते हो आप, ऊपर नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन में कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं ऊपर लगाने नीचे लगाने बीच में लगाने, बट 15 से ज़्यादा नहीं लगाने। और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हेटर कॉन्टेंट या टैग्स के हैशटैग यूज़ नहीं करने, नहीं तो आपको पता है स्ट्राइक आ जाएगी, तो वो इश्यूज आते हैं, तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कि अगर यूज करते हमारे इस पर क्लिक करता है तो उससे हमारा क्या होगा कि मतलब हमारी वीडियोस में मतलब हैशटैग जो होता है, मैंने कहा प्रमोट कैसे करता है, हमारे क्या बेनिफिट है हमारा। अगर जैसे हमारी कोई प्लेलिस्ट है, जैसे मैंने कहा यूट्यूब मार्केटिंग एडवांस कोर्स, कोई ऐसा यूनिक नेम बना दो और उसे अपनी यूट्यूब की हर वीडियोज में डालने लग दो हैशटैग्स को, तो क्या होगा आपके सजेशंस में ना वीडियोज आएगी वो आपकी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वो प्लेलिस्ट की वीडियोस आ जाएंगी जिसमें आपने हैशटैग यूज़ कर रखा होगा ऑलरेडी, आपके इन वीडियो में आपने यूज़ कर रखा है उस वाली प्लेलिस्ट का हैशटैग, जो प्लेलिस्ट बनी हुई ऑलरेडी इस नेम से। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लिंक वाला, तो ऐसे करके यहाँ से वीडियो ग्रो होती है ऐसे करके, तो ऐसे वीडियो ग्रो करते हैं आप इनका यूज़ कर सकते हो हैशटैग का। हैशटैग ऐसे लगाए जाते हैं, आप मैंने कंप्लेंस बता दी क्या बेनिफिट है यही बता दिया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।